आपके कोलेस्ट्रॉल को खत्म करके हार्ट की सभी ब्लॉकेज को खोल देगा ये चमत्कारी घरेलू नुस्खा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे जबरदस्त नुस्खे के बारे में बताएंगे जिसका प्रयोग करके आप अपने शरीर के कोलेस्ट्रॉल की समस्या से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, ये नुस्खा आपके कोलेस्ट्रॉल की समस्या को बिल्कुल सही कर देगा, यानी कि जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको सही कर देगा और आपके शरीर में यदि कहीं भी कोई भी बंद नस है तो उसको खोल देगा, जिससे कि आपको ना तो कभी हार्ट ब्लॉकेज होगी और ना ही आपको हार्ट अटैक आएगा। और दोस्तों, वैसे भी हमारे शरीर की जो हार्ट ब्लॉकेज होती है वो ही हार्ट अटैक का मुख्य कारण है और इस हार्ट ब्लॉकेज का मुख्य कारण होता है कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना। तो ये नुस्खा उस जड़ को ही खत्म कर देगा जो आपको हार्ट अटैक आने के लिए जिम्मेदार है। और दोस्तों, ये नुस्खा ना सिर्फ हार्ट की प्रॉब्लम को दूर करेगा बल्कि आपके शरीर की इम्यून पावर, रोगों से लड़ने की शक्ति को भी बढ़ाएगा, जिससे कि आप 100 सालों तक जीवित रह पाएंगे, आपको कभी कोई भी बीमारी नहीं लगेगी। इसके अलावा ये नुस्खा मोटापे के लिए भी एक रामबाण औषधि है और आपके शरीर में मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करके मोटापे को बड़ी तेजी से कम करता है। यानी सिर्फ एक नुस्खा लेने के बाद आपका शरीर बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा और आप 100 साल तक खुशी खुशी जी पाएंगे, वो भी बिना इन डॉक्टरों के चक्कर लगाए। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस नुस्खे को बनाना कैसे है। दोस्तों, आज के जो नुस्खे की मैं बात कर रहा हूँ वो है एक काढ़ा जो आपने बनाना है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि इस काढ़े को आपने बनाना कैसे है। दोस्तों, आपने करना क्या है कि एक गिलास पानी लेकर एक बर्तन में डालकर उसको आग पर उबलने के लिए रख देना है। जैसे कि ये हमने एक बर्तन में एक गिलास पानी डाल दिया, अब आपने इसमें आधा चम्मच जीरा डालना है। आजकल के लिए आधा चम्मच ही काफी है, वो आपके मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट करेगा, मोटापे को भी कम करेगा और आपके सभी हार्ट ब्लॉकेज को खोल देगा और कोलेस्ट्रॉल को बिल्कुल सही कर देगा, ब्लड प्रेशर की बीमारी का इलाज कर देगा। अब इसको आपने तब तक उबालना है जब तक कि आपने एक गिलास पानी लिया था और वो उबल उबल कर आधा गिलास न रह जाए। और जब दोस्तों वो उबल उबल कर आधा गिलास रह जाए, जैसे कि ये मेरा रह गया, तो ये नुस्खा रेडी हो गया। अब आपने इसमें इसको छान लेना है और छानने के बाद आपने इसमें मिलाना है एक चम्मच एप्पल साइडर विनेगर। दोस्तों, एप्पल साइडर विनेगर के बारे में आप जानते ही होंगे, कोलेस्ट्रॉल और सभी तरह की हार्ट ब्लॉकेज को खोलने के लिए एप्पल साइडर विनेगर एक चमत्कारिक औषधि है और इसके अलावा भी बहुत तरह की बीमारियों का इलाज करता है। अब आपने इसमें इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आधा चम्मच डालना है शहद। और दोस्तों, ये हो गया आपका नुस्खा रेडी। अब जानते हैं इसके सेवन की विधि। दोस्तों, आपने इसका सेवन हर रोज सुबह खाली पेट करना है और दोस्तों, यदि आप ऐसा करेंगे तब आप देखेंगे कि आपके कोलेस्ट्रॉल की समस्या बिल्कुल सही हो जाएगी, आपको जिंदगी में कभी ये बैड कोलेस्ट्रॉल की परेशानी नहीं होगी और ना ही आपके शरीर में कभी हार्ट ब्लॉकेज होगी और ना कभी आपको हार्ट अटैक आएगा। इसके साथ में आपका हार्ट मजबूत हो जाएगा और आपके शरीर में रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ जाएगी, मोटापा बिल्कुल सही हो जाएगा, आपको इस मोटापे के कारण और किसी बीमारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, आपके शरीर में यदि आपको ब्लड प्रेशर की परेशानी है तो वो भी बिल्कुल सही हो जाएगी। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जो इस ब्लड प्रेशर के कारण ही होती हैं और ये नुस्खा आपके ब्लड प्रेशर की परेशानी को भी सही कर देगा, क्योंकि इसके कारण ही हमें हार्ट अटैक या किडनी की प्रॉब्लम की परेशानी आती है और जब ये ब्लड प्रेशर सही हो जाएगा तब आप इन बीमारियों से बच जाएंगे। इसके अलावा भी ये नुस्खा आपको पेट के रोगों से बचाएगा, आपको कभी पेट का रोग नहीं होगा, आपको पेट में गैस, कब्ज और एसिडिटी की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, आपका पाचन तंत्र मजबूत हो जाएगा। तो दोस्तों, देर किस बात की है, आप भी आज ही इस नुस्खे को अपने घर पर बनाएं और सुबह खाली पेट बासी मुंह इसका प्रयोग करें और फिर देखें कि कैसे आपके शरीर की हर समस्या सही हो जाएगी। तो दोस्तों, आज ही इस नुस्खे को घर पर बनाइए और इस्तेमाल कीजिए और अपने शरीर को बिल्कुल स्वस्थ बना दीजिए। तो दोस्तों, यह थी हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिए। इसके साथ में आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बेल का आइकॉन है उसको भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारी सभी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। धन्यवाद दोस्तों।